चोरी को लिया सर, 5 गो गहना 5 लाख रुपया। धमकी भी दिया मैं तेरा गाड़ी चुरा लूंगा, चुरा लिया उसी रात को मेरा गाड़ी। पोल में लाइन काट दिलक हैं, अन्हार कह दिल्क। RJD जो है ना वो बहुत बड़ा गुंडा है, गुंडा बनाता है, गुंडा पालता है, वही लोग करवाता है। तो गोली मारेंगे और मुकेश को गोली मार देंगे। पंडल प्रखंड हैदरपुर रामटोल में इस वक्त मौजूद हूँ, अभी आप देख रहे हैं तेज बिहार। जी हाँ, मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। चलिए आज बताते हैं यहाँ चोरी हुई है, क्या चीज चोरी हुई है वो आपको हम जानकारी बताएंगे, और यहाँ हम चल करके दिखाते हैं कि कहाँ से चोरी हुई है। तो आइए कैमरामैन हमारे और दिखाइए। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ घर के अंदर से जब चोरी होती है तो बहुत बड़ा संदेश जाता है पूरे बिहार वासियों को कि यहाँ से चोरी करके ले जाते। देख लीजिए कितना अंदर में है, घर के अंदर, और वो भी ताला तोड़ करके ले करके जाते हैं, और चोर जो है से वो गाड़ी को आगे लगा देते हैं। वहां से फोन कॉल करते हैं कि यहाँ पर आपकी गाड़ी लगी हुई है और इसमें क्या सच्चाई है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि क्या ये जो आपको फोन कॉल कर करके बताया है कि यहाँ से गाड़ी चोरी हुई है, आप यहाँ आकर के ले जाए, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो सब हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। आप बने रहे तेज बिहार पे। तो चलिए जो यहाँ के इस गांव के जो लोग है उनसे हम जानेंगे, एक एक व्यक्ति से जानेंगे कि चोरी कैसे हुआ है। चोरी को लिया सर, 5 गो गहना 5 लाख रुपया। कौन चोरी किया है? पप्पू राम। एक एक व्यक्ति बोलिए। हाँ, गगन, पप्पू, सोनू, संजया। अच्छा, ये लोग कितने दिन से चोरी करते हैं? आपका कब चोरी हुआ? 5 साल लग। आपका कभी चोरी हुआ? 31 तारीख। 21 तारीख को? 30 तारीख। 21 तारीख। 30 तारीख के। अच्छा, तो अभी जो चोरी किया है तो आप किन लोगों को सूचना दिए, थाना में दिए हैं, और यहाँ के मुखिया को, सरपंच को? सरपंच के, थाना के, सब किच के दिया है। तो क्या हुआ फिर आपका मान? थाने में सर खाल के लपेट लिया सर, सब मिल के घुस घा दे के लपेट लिया सर। आई चोरी करके के देखते है माहौल बनता है चोरवा। अच्छा, ये जो दिखा दीजिए जा कैमरा मैन की, ये जो घर सामने जो लगा हुआ है, एयरटेल का जो डिश लगा हुआ है, वो बोलता चोरों का घर है, घर के चोरी के सर घोर है, सबके लूट लाया। वो लाइट काट दिया वहाँ से, पूरा यहाँ से लाइट काटे, उसके बाद यहाँ से मेरे गाड़ी उठाए, फिर ताला तोड़े सर मेरा गाड़ी का। वो मेरा ही गाड़ी है। आपका गाड़ी है? हाँ सर, मेरा ही। और 5 वो लड़का मुझे घेरा घेर दिया था उधर, काको बाद में मुझे घेर लिया था। कभी आपको धमकी दिया मैं तेरा गाड़ी चुरा लूंगा, चुरा लिया उसी रात में मेरा गाड़ी। अच्छा, उसी रात में आपको धमकी दिया, उसी रात में चोरी भी कर दिया? जी सर। तो जिस समय आपको धमकी दिया तो क्या आप थाना को सूचना दिए थे? नहीं सर। तो आपको सूचना देना चाहिए थाना? हाँ सर। पहले अगर सर थाना को अगर सूचना देते हैं, फिर अगर थाना कार्रवाई नहीं करती तो अरे भाई तो द्वार लाने हुआ का जी। पूरा रात हो गया था सर, रात हो गया था। कितने बजे आपको धमकी मिला? 11 बजे धमकी मुझे मिली। 11 बजे? 3 बजे रात को। 3 बजे रात को चोरी? 3 बजे रात में ये डकैती हुआ। तो देख लीजिए कि जब 11 बजे रात को इनको धमकी मिलता है और 3 बजे के करीब इनका बैग चोरी हो जाता है, वो भी यहाँ पर बड़ा ताला लगा हुआ था, कुछ लोगों का कहना है। और चोरी हो ताला लगा हुआ था, इतना बड़ा ताला लगा हुआ था इसमें, गाड़ी घींच के इधर से लेके यहाँ पर गेट तोड़ा होगा गाड़ी का, इधर से घींचा गाड़ी को, इधर से नीचे यहाँ पे लॉक तोड़े। अच्छा, यहाँ गाछी में दे रहे हैं उसको, बोलो वही दे रहा है सब। जा इधर आइए, आप क्या बोल रही है? आप लाइन काट के गाड़ी चोरी भेले हैं, पोल में लाइन काट दिलक हैं, अन्हार कह दिलक, तब गाड़ी में चोरल गए हैं। अच्छा, अंधेला करने के बाद चोरी हुआ? तब चोरी भले है। तो क्या इससे पहले भी इस तरीके का वारदात हुआ है आपके गांव में? यही बार हमारे टोल में खेल के हैं। इससे पहले आपके गांव में नहीं? नहीं, गांव में अंत करे चले हैं अपन चोरी चपाटी, पहले मर्डर के नहीं चले हैं वही व्यक्ति। हाँ, यही बार जीरे खान और राम बहादुर उसका बाप है, उसका बाप है। अच्छा, ये लोग मर्डर भी किए हुआ? तो कितना देर जेल के सलाखों के अंदर था, कितना दिनों तक के? 3 महीना। 3 महीना के अंदर मर्डर करने के बाद बाहर आ जाते हैं? हाँ, बाहर आ गए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ लंबा है, कानून से मिला हुआ जब भी तो है। मिला से तब न हो चोरी, ओकर बेटा और चोरी कर रहा है, पप्पू और सोनू और संजय और गगन और। तो ये बताइए, जब आपके गांव में चोरी होता है तो आप लोगों को कैसा लगता है कि गांव के खेरे के अंदर चोरी होता है तो कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है सर, बहुत खराब लगता है।
पुलिस प्रशासन का बहुत ढिलाई है इसमें, लापरवाही, लापरवाही बहुत बड़ा लापरवाही। हम तो कहते हैं कि इसको पहले तो नेता को चेंज करना चाहिए जो ऊपर से इसका हाथ है। अच्छा, नेता कुछ लोगों नेता का हाथ है? हाँ हाँ, उसके ऊपर नेता का हाथ है। आरजेडी जो है ना वो बहुत बड़ा गुंडा है, गुंडा बनाता है, गुंडा पालता है, वही लोग करवाता है उसका। आरजेडी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ जी जी, पूरा यकीन के साथ आप आरजेडी के ऊपर लगा रहे हैं? जी जी, उन्हीं का गुंडा है सब लोग। अच्छा, ये आरजेडी का गुंडा? हाँ, आरजेडी का गुंडा है सब। आपको ये सूचना कहाँ से मिली है? सूचना हमें मिला है, वो जो बात किया है उनके अनुभव से हमें पता चला है। बोल रहा है कि हम बहुत बड़ा नेता का आदमी है, हम विधायक का आदमी है। अच्छा, तो सिर्फ आप आरजेडी के ऊपर ही कर रहे हैं? यहाँ जेडीओ है, उसके ऊपर भी लगा सकते थे, भाजपा है उनके ऊपर भी लगा सकते थे, कांग्रेस है उनके ऊपर भी, मगर आप आरजेडी के उसका नेता है। बोल रहा है कि मेरा नेता है इधर। अच्छा, इधर मेरा नेता है, मेरा सरकार चल रहा है, हम जो मर्जी होगा वो हम करेंगे, ऐसी बात बोल रहा है? ऐसी बात बोल रहा है। वो फोन कर रहा है तो बोल रहा है कि भाई जो जो बोला है, जो जो आवाज उठा रहा है उसको हम गोली मार देंगे। गोली मारने की सूचना दे रहे हैं? गोली मारने, धमकी दे रहा है वो। तो क्या अभी आप लोग थाना को बोले कि इस तरीके का हमको धमकी मिल रहा है? जी जी, तो बोले तो अभी तक नहीं आया है थाना, अभी तक के नहीं आया है। 21 तारीख को ही हम लोग कंप्लेन किए हैं, 21 तारीख को FIR करवाए हैं, लेकिन अभी तक थाना नहीं आया। चल करके और भी लोग हैं जो गांव के नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं और महिला है, उनसे भी हम जानेंगे। तो चलिए, कुछ नौजवान है उनसे हम जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश चौधरी हुआ जी। मुकेश चौधरी जी, आपके गांव में अभी जो चोरी हुई है, बैग की घटना हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? बैग तो सर हम ही ऊपर करवाए हैं। आप ऊपर करवाए? जी जी जी। अच्छा, बैग कहाँ से ऊपर करवाए आप? सर वो लड़का कहीं पे फोन किया था, ठीक है, सो एक बाइक है बिक्री का। अच्छा, तो हमको पता नहीं था कि मतलब इसका भेजना का बैग चोरी हो गया घर से। अच्छा। तो हमको ये कल शाम में बोला भैया से सब बात था कि मेरा भेंगना का मोटरसाइकिल घर से चोरी कर लिया। तो हम उसको बोला कि मेरे को एक फोन आया था गाड़ी के मामले में, हम उसको तुरंत बोले कि तुम्हारा गाड़ी मिल जाएगा। तुरंत में उस लड़का को फोन किया, भाई मोटरसाइकिल तुम लेकर के आधा घंटा में जल्दी पहुंच जाओ। फिर बोला भैया हम मेरे पास मोटरसाइकिल, मतलब बहुत बहुत बात बोला वो हमको। फिर रात में हमको वो करीब 12 बजे रात में हमको गाड़ी वो दिया ला करके। उसको मैं कल रात से ही बुला रहा हूँ कि अपने समाज में बैठ के निर्णय कर लेंगे हम लोग। अगर आपको अगर वो फोन कॉल नहीं करते कि एक गाड़ी बिक्री का है, तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी बिक जाती चोरी के? ये नेपाल जा रही थी गाड़ी, नेपाल जाती है, जा रही थी जी। तो कुछ लोगों का कहना ये भी हुआ कि जो चोरी होती है सब गाड़ी नेपाल जाती है, क्या ये सच है? ये सच है, बिल्कुल सच है। अदर कंट्री चल जाता है वो, नेपाल, इंडिया में आता ही नहीं है जो मिलेगा गाड़ी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का लिंक जो है से नेपाल से भी? नेपाल तक है लिंक, इन लोगों का नेपाल तक लिंक है, लड़का लोग का नेपाल तक के। हाँ, इन लोगों का जब से गाँव है तब से घटना ही हो रहा है। तो अभी तो कुछ महिला जो बता रही थी कि पहला घटना हुआ इस गांव में? नहीं नहीं, घटना तो बहुत हुआ है, घटना बहुत हुआ, बहुत हो रहा है एरिया में, रोड पे घटना होता है। रात को बाइक छीन लेता है, पैसा छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है, तो बहुत घटना हो रहा है रोड। यहाँ तो बोला गया कि कुछ दिन पहले मर्डर भी हुई थी। हाँ, हुआ था, बोला था जो चोर है वही लोग शामिल थे इसमें, उनके फादर लोग थे शामिल। अच्छा, उनके पापा? पापा लोग उनके शामिल। तो देख लीजिए, कभी उनके पापा मर्डर करते हैं तो उसका बे होता है, वो मोबाइल चोरी करता है, बैग चोरी करता है, टेम्पू चोरी करता है, पैसा सोना चांदी लूटमार करता है। तो चलिए, और भी कुछ महिला है उनसे हम जानेंगे और प्रयास करेंगे कि आप तक के जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो सूचना देने की हम कोशिश करेंगे। इसको गोली मारेंगे और मुकेश को गोली मार देंगे। कौन मारेंगे? वो पप्पूराम। पप्पूराम कहाँ के रहने वाले? वही में, वही है मैन आदमी, इसी गांव के रहने वाले, रामटोल के रहने वाले, रहने वाले हैं। तो कितने लोग को धमकी देता है? सबको, सबको पेट्रोल छीट देंगे, एक दिन से डाल देंगे साले से। ऐसा बोला पेट्रोल छीट के? पेट्रोल, गोली का भी धमकी? हाँ हाँ, गोली गोली गोली। तो अभी देख सकते हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, कोई भी है इस गांव के जो वाले व्यक्ति है, उनका कहना है कि धमकी आता है, कभी गोली मारने का, तो कभी चाकू मारने का, तो कभी बोलता है पेट्रोल छिट करके सबको जला देंगे। तो सर का घर देखिएगा, ये चोर का घर? हाँ, हम दिखा दिए हैं कि वो घर चोर, और बाकी घर उधर है सर, चोर का पूरा। कितने लोग हैं आपके गांव में चोर? आपको 5 आदमी है? 5 आदमी है सर। और बोला जा रहा है कि 20-25 आदमी का ग्रुप? मेरा टोल में सिर्फ 5 ट्रोल है, 5 आदमी मेरा टोल में, 15 बाहर का है, 15-20 बाहर का है। अच्छा, ये गैंग बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा गैंग है, ऊपर से भी हाथ है, वह मंत्री सब का हाथ है इसमें, वहीं से करवाता है सब खेला, ये सब चेला सब हो गया। हैदरपुर रामटोल में इतनी बड़ी घटना हुई है, अभी तक के पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाए हैं घटना स्थल पे। तो हम यही कहेंगे
पंडोल प्रखंड के बड़े बाबू से कि आ करके आप संज्ञान लीजिए, इन लोगों की जो मांग है उसको पूरा कीजिए, जो दोषी है जो चोर है उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए कि ता करके उनका मनोबल ना बढ़े, किसी तरीके का घटना ना कर पाए। तो अभी आप देख रहे थे तेज बयान न्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।